गुड मॉर्निंग क्लास प्रेप, क्लास प्रेप आज हम हिंदी पढ़ेंगे। तो ये आपकी हिंदी की बुक है स्वरानंदी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज हम ये एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज का चैप्टर हमने पहले ही पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था। री की मात्रा वाला चैप्टर है ये, है ना, री की मात्रा वाले शब्द वाला चैप्टर है। तो हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया था। अब इसकी आगे की एक ये शॉर्ट सी आपकी एक कविता है और उसके बाद यहाँ पे उसकी एक्सरसाइज है। आज हम इसी को पढ़ेंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो गाँव गुनगुनाओं में है आपकी मृग। मृग किसे कहते हैं? हिरण को कहते हैं। ठीक है, तो निकट नदी एक मृग रहता, तृण खाता फिर दिशा बुझाता, गृहिणी एक लिए घृत भाती, ग्रह तज कर शिवालय जाती। तो ये आपकी ऐसे ही छोटी सी कविता है चैप्टर के अकॉर्डिंग। आइए अब हम एक्सरसाइज करते हैं आज की। चित्र देखकर नाम पूरा कीजिए। तो ये देखिए, ये क्या है? ग्रह है। सेकेंड पिक्चर आपकी है मृग। थर्ड पिक्चर में आपका है कृषक। ठीक है, तो ये हो गया ग्रह, मृग एंड कृषक। सेकेंड एक्सरसाइज आपकी है, इसमें री की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाना है। तो द और ड़ लिखा हुआ है इसके, यानी द के नीचे रा लगाएंगे तो ये दृढ़ हो जाएगा। कशी लिखा है, का के नीचे रा लगाएंगे तो कृषि हो जाएगा। दग लिखा है, दा के नीचे लगाएंगे री की मात्रा तो दृग हो जाएगा। इसी तरह से मग है, माँ के नीचे लगाएंगे तो मृग हो जाएगा। मात है, ता के नीचे लगाएंगे तो मात्र हो जाएगा। कपा है, का के नीचे लगाएंगे तो कृपा हो जाएगा। अब यहाँ पे हृदय है, हा में लगाएंगे तो हृदय हो जाएगा। मतक है, माँ के नीचे लगाएंगे मृतक हो जाएगा। अमृत है, माँ के नीचे लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? अमृत। ठीक है, तो ये हो गया दृढ़, कृषि, दृग, मृग, मात, कृपा, हृदय, मृतक, अमृत। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। यानी यहाँ पे आपको दो वर्ड दिए गए हैं, इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। का है अमृत एक, क्या था? मृग था या कृषक था? कृषक था, तो कृषक यहाँ पे फिल करेंगे। खा है मृग, चर रहा था, क्या चर रहा था? वृक्ष चर रहा था या तृण? तृण चर रहा था। उसके बाद है मृणाल, सबका था, क्या था? हृदय था या कृतक था? कृतक था। घा है बहुत विशाल था, क्या था बहुत विशाल? दृग या वृक्ष? वृक्ष जो है वो बहुत विशाल था। तो इस तरह से अमृत एक कृषक था, मृग तृण चर रहा था, मृणाल सबका कृतक था, वृक्ष बहुत विशाल था। तो चिल्ड्रन, ये एक्सरसाइज आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और लर्न कीजिएगा। ओके, थैंक यू।